उत्तर प्रदेश के अंदर रंग चुनावी हो गया है, नेता सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। बात भाजपा की हो समाजवादी पार्टी, हर कोई लोगों को रिझाने में जुटा हुआ है। मोदी एक तरह के मंच से योगी की तारीफ करते हैं तो अखिलेश सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर वहां की जो छोटे दल है उनके साथ गठबंधन करते हैं। आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की एक संयुक्त कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा था। इस कार्यक्रम में भीड़ देखकर समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी इतना खुश हुए कि पूरे मंच से उन्होंने कह दिया कि जितनी भीड़ सभा के लिए इस ग्राउंड में है उससे ज्यादा भीड़ तो ग्राउंड के बाहर खड़ी है। समर्थक जब अपने नेता से इस तरीके की बातें सुने, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन कर लिया है। अखिलेश का कहना था कि छोटे छोटे दल एक होके उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चुनाव के ठीक पहले, चुनाव होने में कुछ महीने बाकी है, लेकिन उसके पहले जो आजमाइश जारी है, लोगों को अपने पाले में करने के लिए भीड़ जुटानी शुरू हो चुकी है। नेता भीड़ जुटाते हैं तो भीड़ नेताओं को देखकर गदगद हो जाती है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इलगास कस्बे की मंडी रोड की है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ मंच साझा कर रहे थे। पहली दफे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के नेता एक साथ थे। मंच की अगुवाई जयंत चौधरी कर रहे थे। भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि पहले उन्होंने ब्रैकेटिंग को तोड़ दिया, फिर मंच पर चढ़ने के लिए नेताओं की होड़ मच गई। नेताओं की होड़ की वजह से ब्रैकेटिंग टूटा और मंच की जो सीढ़ी बनी हुई थी उसे तोड़ के कई कार्यकर्ता बाहर गिर गए। कई लोगों ने उन्हें संभाल लिया तो कुछ उस पे अटके रहे, लेकिन भीड़ इतनी गदगद थी कि वो अपने नेता को सुनने उनके करीब जाने की होड़ मचाई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव अगले साल में होना है, लेकिन उसके ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ताकत के साथ जोर आजमाइश की जा रही है उत्तर प्रदेश फतह करने की, अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। और इसी जीत के दावे के बीच एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के दल कई कार्यक्रम करके योगी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे। और इसी मोर्चाबंदी के दौरान की यह तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से निकल के सामने आई है। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से चुनाव से पहले नेताओं का मंच टूटना शुरू हो गया है। ये तो अभी आगाज है, वक्त के साथ कई तस्वीरें निकल के सामने आएगी जो देश भर में उत्तर प्रदेश के अलावा जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां के लोग देखेंगे कि नेताओं की एक झलक के लिए कार्यकर्ता किस तरीके से कभी ब्रैकेटिंग तोड़ते हैं तो कभी मंच उनके भीड़ से टूट जाती है। इस बीच नेताओं को बचने और बचाने का दौर भी खूब चलता है। मंच की ब्रैकेटिंग टूटी तो कार्यकर्ता अपने नेता को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते दिखे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से निकल के सामने आई है। यह ताकत अखिलेश की ताकत है, यह ताकत जयंत चौधरी की ताकत है जो आज भाजपा को दिखाने की यह कोशिश की गई थी। यानी मोदी और योगी को दिखाने के चक्कर में जयंत के समर्थक आज मंच पर धराशाही हो गए। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहां काम होगा सिर्फ यहां, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।